टेलीविजन एक्ट्रेस श्वेता तिवारी की जिंदगी में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। खासकर उन्हें अपनी शादीशुदा जिंदगी को लेकर काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हालांकि उन्होंने इन सभी परेशानियों से लड़कर डटकर उनका सामना किया और उन्होंने कभी हार नहीं मानी अपनी जिंदगी पर। श्वेता का कहना है कि उनकी जिंदगी में एक समय ऐसा भी आया था जब वो पूरी तरह बिखर गई थी। हाल ही में एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि क्या वो एक बार फिर किसी के प्यार में पढ़ने के लिए तैयार हैं। इस पर श्वेता ने कहा कि मैं पहले अपने बच्चों के साथ प्यार में हूँ और अब मेरे पास किसी और के लिए वक्त नहीं है। अपने बच्चों के साथ प्यार में इस कदर मशगूल हूँ कि मुझे नहीं लगता कि मुझे इसके अलावा किसी और की ज़रूरत है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हाल ही में श्वेता अपने दूसरे पति अभिनव कोहली से अलग हो गई हैं। उनका कहना है कि इस रिश्ते को लेकर भी उनका अनुभव सही नहीं रहा। खबरों के अनुसार सोशल मीडिया पर ट्रोल होने के चलते श्वेता ने इस विषय पर भी खुलकर बात की है। उन्होंने इंटरव्यू में उन लोगों के बारे में कहा जिन्हें दूसरे की निजी जिंदगी पर हंसना और उनका मजाक उड़ाना अच्छा लगता है। श्वेता ने कहा कि ये ऐसे लोग हैं जिनकी जिंदगी में करने को कुछ नहीं है और जो लोग वाकई में काम कर रहे हैं उन्हें ट्रोल करने का उनके पास फुर्सत के ढेरों पल है। श्वेता खुद को कमजोर बताते हुए कह रही हैं कि हमारे पास ऐसी कई सारी महिलाएं हैं जो इस तरह की परेशानियों से जूझ रही है। मैं बहादुर नहीं हूँ, मैं बहुत कमज़ोर हूँ। मैं अपनी परेशानियों से उबरने का प्रयास कर रही हूँ। मैं रोती हूँ, बिखरती हूँ, लेकिन फिर सोचती हूँ कि ये स्वाभाविक है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।